दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 16 मई 2021 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में जानकारी देंगे। आज का दिन आपका कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लव राशि फल। आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं आज भी, और आज राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे, तो किस प्रकार का आपकी राशि को फल प्रदान करेंगे आइए जानते हैं। राशियों क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि वालों, आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर जारी है। आज के दिन राहु के नक्षत्र में होने की वजह से मन बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा, बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे। आज कुछ बातें आपके दिल में बहुत ज़्यादा बार बार चुभेंगी। आप बार बार अपने पार्टनर से या अपने दोस्त से बात करने का आपका मन करेगा, लेकिन आपको अपने मन को रोकना होगा। आज के दिन विशेष रूप से आज आपका मन पूरी तरह से खिन्न हो जाएगा, आज उदास हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, अकेलापन बहुत ज़्यादा बेचैन करेगा। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा बहुत अधिक मात्रा में आपको ये भी प्रतीत होगा अपने पार्टनर के लिए कि पार्टनर के विश्वास को आप याद करेंगे। पार्टनर आप पर कितना विश्वास करता था, वो कितना लॉयल था और वो आपसे कितना उम्मीद रखता था, ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं याद आएंगी। आज विशेष रूप से आपके लिए जो स्थिति है, आज किसी को प्रपोज ना करें, आज के दिन अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉमिस ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और किसी प्रकार से कोई प्रॉमिस अगर किया है तो उसे तोड़े ना आज के दिन। आज के दिन विशेष रूप से ये स्थिति बनेगी कि मैरिड लाइफ में कुछ बदलाव कर सकते हैं, मैरिड लाइफ में तकलीफें कम करने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा आपके लिए पार्टनर बहुत कुछ करेगा, बहुत खुशखबरी देगा और बहुत कुछ उम्मीदें आपकी पूरी करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि से चंद्रमा का गोचर द्वितीय भाव में रहेगा। आज आपका मन बहुत अशांत रहेगा, आज आपके दिल में भी बहुत सारी बातें चलेंगी, लेकिन उनको आपको अंदर ही दबाना होगा। और अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, आज अपनी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को सहन करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। आपके पार्टनर आपकी फीलिंग की कद्र नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आपको बहुत नज़र आएगी। आज बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे, उन्हें छोड़ने का मन करेगा, ऐसा मन करेगा सब कुछ खत्म करें, सब कुछ बंद करें, ऐसी स्थितियों में आप आ जाएंगे। विशेष रूप से आज आपके पार्टनर से कुछ गलतियां ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आप जीवन भर माफ ना कर पाएं, ये स्थिति बनेगी। मैरिड लाइफ में आज प्रॉब्लम छिपी हुई बातों की वजह से हो सकती हैं, या अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देने की वजह से और अपने पार्टनर को इग्नोर करने की वजह से भी परेशानी बन सकती है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज झगड़े हो सकते हैं, एक दूसरे के चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि आप सुलझा ना पाएं और गलतफहमियां बहुत ज़्यादा बन जाएं, ये भी स्थिति बनेगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि में ही चंद्रमा का गोचर जारी है। देखा जाए तो आज के दिन विशेष रूप से आपको अपनी छोटी छोटी गलतियों को, आप अपने पार्टनर को नाराज कर सकते हैं छोटी छोटी गलतियों से, और अपनी छोटी छोटी गलतियों को आपको संभाल के चलना होगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा आज पार्टनर आपका। आज किसी को प्रपोज ना करें, आज अगर प्रपोज करते भी हैं तो आपके कैरेक्टर के बारे में ज़्यादातर जानने की इच्छा होगी आपके पार्टनर को, और वो निश्चित रूप से जो भी आपका क्रश है वो आपको कहीं ना कहीं ये जता देगा कि आप कैरेक्टर में कहीं ना कहीं खराब हैं, आपके पहले अफेयर रहे हैं उनके बारे में। उन्हें जानकारी मिलते ही आपको वो कहीं ना कहीं छोड़ दें या आपको इग्नोर कर दें या आपको नापसंद कर दें, ऐसी स्थिति भी, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करें, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। उसके साथ साथ मैरिड लाइफ में आज बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ व्यक्ति हैं जो आपके रिलेशनशिप में दरार पैदा कर सकते हैं, जो थर्ड पार्टी का रोल निभाएंगे।
और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज थर्ड पार्टी की स्थिति ज़्यादा ही परेशान कर सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा, आज आपका झगड़ा, तनाव और बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है। आज के दिन मन बहुत उदास रहेगा। आज पार्टनर बहुत बात बात पर हर्ट करेंगे, कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो बहुत ज़्यादा बुरी लगेंगी, बहुत ज़्यादा चुभ जाएंगी, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे। आज के दिन आपको विशेष रूप से बहस करने से बचना चाहिए, किसी को प्रपोज करने से बचना चाहिए और बातें छिपाने से बचना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं और कुछ धोखा जैसी स्थिति भी, यानी कि ब्रेकअप जैसी स्थिति बन सकती है। और ये ब्रेकअप नहीं होगा आज के दिन, जो ब्रेकअप की स्थितियों से भी ज़्यादा बड़ी स्थिति है। ब्रेकअप के बाद में तो पैचअप होने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन आज जो होगा उसके बाद में पैचअप के दरवाजे भी बंद हो जाएं, आपके दिल के दरवाजे भी बंद हो जाएं उसके लिए, ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है। आज के दिन मैरिड लाइफ में विशेष रूप से आपको प्यार मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, इसलिए सावधान होकर के कोई भी कार्य करें। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपकी राशि से एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर ये दर्शाता है आज के दिन आप गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, लेकिन कन्फ्यूज रहेगा पार्टनर, कुछ भी बात बोलेगा तो कन्फ्यूज रहेगा। आज कोई प्रॉमिस ना करें आप अपने पार्टनर को, इस चीज़ का ध्यान रखें। आज किसी को प्रपोज ना करें। आज के दिन अगर प्रपोज करना भी चाहते हैं या कर रहे हैं या आपने कर दिया और झगड़े होने लगे, तो आपको विशेष रूप से आज का लव टिप्स कर लेना चाहिए जो आपको दूसरे चैनल पर मिलता है शॉर्ट्स विद अतुल जी पर, शॉर्ट वीडियो में, तो आज का दिन आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि राहु की स्थितियों में जो आज के दिन अगर आपने प्रपोज किया तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी कि झगड़े तनाव होकर के जल्दी अलग हो जाएं। इसलिए मैरिड लाइफ में भी आज आपको प्यार तो मिलेगा, लेकिन थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी भी स्थिति बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन सामान्य रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपकी राशि से दशम भाव में चंद्रमा का गोचर है ये दर्शाता है कि आज के दिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे, बहुत ज़्यादा बेचैन परेशान हो सकते हैं आप। आज के दिन विशेष रूप से आपको ऐसी स्थिति भी नज़र आ सकती है कि पार्टनर किसी और के संपर्क में आ चुके हैं, कहीं और उनका अफेयर इत्यादि है, ये भी स्थिति बन सकती है। आज के दिन विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हों और बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर का समय ना लें, उनसे जितना हो सके वो जितना समय दें उतना ही समय लें, और थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, किसी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। मैरिड लाइफ में खास करके उनकी माताजी की वजह से आज झगड़े हो सकते हैं, इसलिए उनकी फैमिली या उनकी माताजी को कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जिससे उन्हें बुरा लगे। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज नई शुरुआत का समय है, नई शुरुआत हो सकती है, कोई बात ना छिपाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपकी राशि से नवम भाव में चंद्रमा का गोचर ये दर्शाता है कि आज के दिन विशेष रूप से आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं, आज आपको प्यार ही प्यार मिलेगा, आज आपका टूटा हुआ विश्वास जुड़ सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कॉन्टैक्ट हो सकता है, प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। देखा जाए तो आपके लिए आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन प्रपोज करते समय कन्फ्यूज ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। विशेष रूप से आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी प्रकार से अपने पार्टनर को ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे उन्हें हर्ट हो जाए वो, या बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आज के दिन आपको विशेष रूप से मैरिड लाइफ में भी स्थितियाँ सुधरती हुई नजर आएंगी, और उसके साथ साथ मैरिड लाइफ में आपका विश्वास फिर से जुड़ सकता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि आपने कभी बनाया था तो आज के दिन बहुत पछतावा हो सकता है आपको उस चीज़ पर, और उस चीज़ को आप बताने का प्रयास भी कर सकते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन उस चीज़ को ना बताएं तो आपका दिन आज बेहतर हो जाएगा, आज कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी बात ना बताएं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि में भी अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए स्थितियाँ सामान्य रहने वाली हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का धन का लेन देन आज अपने पार्टनर से ना करें, नहीं कि इसकी वजह से आपके झगड़े तनाव हो सकते हैं और आगे चल करके आप अलग भी हो सकते हैं, ये भी स्थिति है। दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि से अष्टमस्त चंद्रमा रहेगा, आज आपका थोड़ा मन अशांत रहेगा, आज किसी को प्रपोज ना करें, और आज मैरिड लाइफ की स्थितियां भी ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन यहां पर भी आपको विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, और रिलेशनशिप में कोई प्रॉमिस ना करें या कोई प्रॉमिस तोड़े ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको नोटिस करेंगे, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कोई भी गलती ना करें, और अगर कोई गलतफहमी बन गई है तो उस गलतफहमी को आज दूर होते हुए भी देखेंगे।
दोस्तों बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा ये दर्शाता है कि आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। आज आपको विशेष रूप से अपने मन पर नियंत्रण रखना है, मन चलायमान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अशांत हो जाएगा, इस वजह से जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। दूसरे व्यक्ति के, अपने पार्टनर की कोई बात है तो उसे सुने बिना समझे कुछ भी ना बोलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं, नई दोस्ती हो सकती है, शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं आपके पार्टनर, और आज लव मैरिज को लेकर के बातचीत करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। ये स्थिति है, और मैरिज को लेकर के मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको पार्टनर नोटिस करेंगे, भी स्थिति बनेगी, लेकिन प्यार बहुत मिलेगा आपको। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज बहस हो सकती, झगड़े हो सकते, ब्रेकअप हो सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपकी राशि से चंद्रमा का गोचर षष्ठम भाव में रहेगा तो आज आपका मन काफ़ी अशांत रहेगा। थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, आज पार्टनर कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे आपको जलन महसूस हो और बहुत ज़्यादा आप जले से महसूस करें। बहुत ज़्यादा आज कॉम्पिटिशन बढ़ जाए, आज आपके पार्टनर को कोई और पसंद आ जाए, ये भी स्थिति बन सकती है। और विशेष रूप से आज आपको बहस करने से बचना चाहिए और किसी प्रकार से ऐसी कोई हरकत ना कर दें जिससे आपके पार्टनर आपसे नफरत करने लगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज प्रॉमिस हो सकते हैं, कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। दोस्तों बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से पंचमस्थ गोचर आपको बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी करते हुए नजर आएगा, प्रेम संबंध सुधरेंगे और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कॉन्टैक्ट आपके हो सकते हैं, पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करेगा और गिफ्ट उपहार दे सकता है, कुछ आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक से खोल सकता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आप और आपके पार्टनर जो दोनों ही कन्फ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को याद कर रहे होंगे लेकिन उसके बावजूद भी आप एक दूसरे को मैसेज नहीं करना चाहेंगे, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। और मैसेज करते हैं तो उस पर भी ऐसा कुछ जता सकते हैं जो बड़ा अजीब लगेगा उसे, सामने वाले को, जो व्यक्ति आगे बढ़ करके आपको मैसेज करे उसे ऐसा मत बोलिएगा जिससे उसे अजीब लगे कि आपको मैसेज करके उसने गलती कर दी, ऐसा कुछ ना लगे। और मैरिड लाइफ में स्थितियाँ ठीक हैं, सामान्य हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज काफ़ी प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। दोस्तों बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आपकी राशि से चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा, आज बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, आज फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा आप बातचीत करेंगे अपने पार्टनर से, और मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी, आज मैरिज को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। आज विशेष रूप से आपकी फीलिंग आपके पार्टनर समझेंगे, बहुत ज़्यादा आपको महत्व देंगे, बहुत स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बना करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के दिन विशेष रूप से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई बातें ना छिपाएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैरिज को लेकर के आज बातचीत ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आज अपनी मैरिड लाइफ में डाइवोर्स को लेकर चर्चा ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये स्थितियाँ हैं दोस्तों, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पार्टनर आगे होकर के आपसे बातचीत करने का एक मौका ढूंढ सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, तो उन्हें इग्नोर ना करें या उन्हें उनकी इंसल्ट या बहुत ज़्यादा उनका ईगो हर्ट ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उनका स्वाभिमान अगर आप हर्ट कर देते हैं उन्हें, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो दोबारा कभी नहीं आएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। तो ये स्थिति है दोस्तों आज के लव राशिफल की। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं और शॉर्ट में अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा एक नया कार्यक्रम है सुन लो जरा, उसे देखना चाहते हैं रोजाना, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किन तीन राशियों का ब्रेकअप होने की संभावनाएँ हैं, जिन्हें बहुत सावधान होना चाहिए आज के दिन, और कौन सी वह तीन राशियां लकी राशियां हैं जिनका पैचअप हो सकता है, जिनकी लव लाइफ में कोई आ सकता है, जिन्हें कोई प्रपोज कर सकता है, आज उनके लिए स्थितियां अच्छी रह सकती हैं। वो तीन लकी राशियां और तीन सावधान होने वाली राशियों के बारे में बताते हैं सुन लो जरा, जो आपको रोज़ शाम को मिलता है। और दूसरा शॉर्ट चैनल पर ही एक वीडियो मिलती है लव टिप्स की, तो आप लव टिप्स करते थे या करना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जा सकते हैं, उस चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अथवा आप सर्च कर सकते हैं शॉर्ट्स विद अतुल जी, इस चैनल पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।